आजकल पूरे देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल बहुत ही गर्माया हुआ है और चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं इस बार भी कई अभिनेताओं ने राजनीति में कदम रखा है। उसी लिस्ट में अब एक और नाम शामिल हो सकता है और वो नाम है पंकज त्रिपाठी का। अगर आपने वेब सीरीज मिर्जापुर देखी होगी तो फिर आप लोगों को कालीन भैया तो याद ही होंगे। आपको बता दें कि कालीन भैया के किरदार ने उस सीरीज में जान डाल दी थी। वैसे तो उस सीरीज का हर किरदार ही बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन कालीन भैया के नाम से कई मीम्स भी बने जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। बता दें कि पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है। और आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी से जब एक इंटरव्यू के दौरान राजनीति में आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने राजनीति में आने की अपनी इच्छा जाहिर की है। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन अभी वो अपनी इस रुचि को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति करने के लिए मेरे पास समय है और मुझे लगता है कि सिर्फ एक अच्छा पढ़ा लिखा सभी बातों को जानने वाला शख्स ही महान नेता बन सकता है और राष्ट्र की प्रगति में मदद कर सकता है। पंकज त्रिपाठी ने आगे कहा कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ और एक निश्चित विचारधारा में यकीन करता हूँ। मुझे लगता है कि पढ़ना और ट्रैवल करना हमें ना सिर्फ अच्छा एक्टर बनाता है बल्कि हमारी सोच के दायरे को बढ़ाता है और दिमाग को भी खोलता है। ये वास्तव में हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। अब देखना ये होगा कि पंकज त्रिपाठी राजनीति में कब एंट्री मारते हैं। बता दें कि पंकज त्रिपाठी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 2004 में फिल्म रन मूवी से की थी। उसके बाद वो अपहरण जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, लेकिन उनको फिल्म स्त्री, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बरेली की बर्फी, न्यूटन, मसान, ठोकरे, नील बटे सन्नाटा, लुका छिपी जैसी फिल्मों से वो पहचान मिली जिनके उनके कैरियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। बता दें कि वेब सीरीज मिर्जापुर और पाउडर जैसी सीरीजों में पंकज ने एक बेहतरीन किरदार निभाया। भले ही इनमें वो निगेटिव रोल में नजर आए हों, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। वहीं बात करें वर्क फ्रंट की तो पंकज त्रिपाठी की फिल्म लुका छिपी हाल ही में रिलीज हुई। इस फिल्म में पंकज के साथ कार्तिक आर्यन और कृति सेनन भी मुख्य किरदार में नजर आए। वहीं जल्द ही पंकज त्रिपाठी द ताशकंद फाइल्स में नजर आएंगे। इस फिल्म में पंकज के साथ राजेश शर्मा, मंदिरा बेदी, प्रकाश बेलवाड़ी और श्वेता वासु प्रसाद मुख्य किरदार निभा रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।